नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका फोन EMI का है और आप जानना चाहते हैं कि EMI के फोन में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे ऑन होता है तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिएगा। दोस्तों साथ ही ये भी हम जानेंगे कि वो कॉल रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद किस फाइल में सेव होता है और कैसे उसे डिलीट किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कैसे किया जाता है EMI के फोन में। इसके लिए आपको जाना होगा अपने फोन के डायलर पैड में, और डायलर पैड में आ जाने के बाद यहाँ पे आपको तीन लाइन दिखलाई दे रही होगी, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद आप जाइएगा यहाँ पे सेटिंग में, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ऑन कर देना है इसे, और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉल रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारी कॉल रिकॉर्डिंग होने के बाद हमें एक नोटिफिकेशन मिले तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। बाय द वे आप इसे ऑफ ही रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पे डिफॉल्ट रूप से ऑल नंबर सिलेक्ट रहता है। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर को ही रिकॉर्ड करना, आप चाहते हैं कि सारे कॉल न रिकॉर्ड हो, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सिलेक्टेड नंबर पे, और इसके बाद यहाँ पे कस्टम लिस्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे ऐड नंबर पे क्लिक करके आप अपने सेव किए हुए कॉन्टेक्ट से आप अपने नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस नंबर में रिकॉर्डिंग को ऑन करना चाहते हैं। और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे स्टिक मार्क पे। दोस्तों इससे आपकी सिलेक्टेड नंबर पे कॉल रिकॉर्डिंग लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं सभी कॉल को रिकॉर्ड करना तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा सिलेक्ट ऑल पे, और इसके बाद आप स्टिक मार्क पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों ये तो हुआ कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने का तरीका, और अब हम जानते हैं कि ये कॉल रिकॉर्डिंग ऑन होने के बाद किस फोल्डर में सेव होता है। तो यहाँ से हम इसे कट करते हैं, और कट कर देने के बाद आते हैं अपने फाइल मैनेजर में और अपने फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं। और फाइल मैनेजर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा EMI UI। दोस्तों इसे आप ध्यान से देख लीजिए, इसी फोल्डर में आपकी सारी कॉल रिकॉर्ड होके रहता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके इसे ओपन करते हैं, और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे साउंड रिकॉर्डर पे। तो साउंड रिकॉर्डर पे क्लिक कर देने के बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग पे, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपकी जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग रहती है यहाँ पे आके सेव रहती है। और दोस्तों यहाँ से अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके सामने आप टिक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं सारे रिकॉर्डिंग को डिलीट करना तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा डिलीट पे, तो आपकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।